नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टेट पॉइंट से गौरव बोल आ चुका हूँ, जो कि आज जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड लेकर। तो दोस्तों बात करते हैं आपको, जो कि आज लोक सेवा आयोग 22 अगस्त जो कि 2023 को यह आया था, जो कि इसमें 15 नवम्बर द्वारा विज्ञप्ति जेल 15 नवम्बर 2023 द्वारा विज्ञप्ति जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022 के सापेक्ष शारीरिक दक्षता परीक्षा 17 अप्रैल 2023 से 25 मई तक आयोजित की गई, जिसका परीक्षा परिणाम 10 अगस्त 2023 को घोषित किया गया, जिसका यह आया था। और आयोग कार्यालय द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार शारीरिक दक्षता में परीक्षा में सफल अभ्यर्थी हेतु जेल बंदी रक्षक मुख्य परीक्षा जो कि 24/12/2023 को निर्धारित की गई थी, लेकिन सूचित किया। तो देखिए क्या ये लिखा है और अब देखते हैं, इसको बताते हैं आगे। तो दोस्तों इसमें दिया गया था कि आपका जो निर्धारित की गई थी 24 अक्टूबर जो कि दिसंबर, लेकिन सूचित किया जाता है, ये देखिए सूचित किया जाता है कि प्रसंगत परीक्षा पूर्व में निर्धारित तिथि 24 दिसंबर 2023 को पारित करके दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को निर्धारित है। उक्त परीक्षा को 15 अक्टूबर 2023 को हरिद्वार देहरादून हल्द्वानी नगरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा उपयुक्त रूप से अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र जो कि आज से जो 3 अक्टूबर 2023 से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आप आयोग की जो कि वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़, और दूसरी खबर के बाद बताते हैं आपको UKSSC की ओर से। तो दूसरी न्यूज़ जो कि UK SSS की ओर से, तो क्या है न्यूज़ देखिए। तो जो कि आपका जो कि आज UK SSS जो कि विज्ञापन 34 पदों पर भी आज विज्ञापन आ चुका है। तो देखिए 3 अक्टूबर 2023 को आ चुका है ऑनलाइन, जो कि आप 5 अक्टूबर से भर सकेंगे। अंतिम तिथि आपका 5 नवंबर 2023 है। और ये देखिए और क्या मांगा है इसमें और बताते हैं आपको। और पदनाम क्या है आपका, सहायक कृषि अधिकारी जो कि ये भर्ती आई है, जो कि कुल पद 34 पद है। उसके लिए आपका अनुसूचित जनजाति के लिए 2, ST के लिए आपके जो कि 1 है शायद इसमें, OBC के लिए भी 1, EWS के लिए 3 पोस्ट और जनरल के लिए आपके 27 पोस्ट है। और बात करते हैं 21 इसमें और ये पोस्ट इसमें आप और पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ये साहब क्या है इन्होंने कि पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। आयु सीमा आपकी 21 से 42 साल रहेगी। और शैक्षिक अर्हता की बात की जाए तो भारत, अगर आपको इसमें क्या मांगा है तो देखिए आपका इसमें मांगा है भारत से स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अजमान अर्थात प्रदेश में सेना अगर आप क्रेडिट हो तो आपको इसका ये मिलेगा। तो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आपका 100 नंबर का होगा, 100 अंकों का, 2 घंटों का होगा, ये 2 घंटे का होगा। और ये देखिए और बताते हैं आपको, ये आयु भी इसमें ये की दी गई है, आयु भी सेम क्रिटेरिया दिया गया है। और अब बात करते हैं इसमें भूतपूर्व सैनिक हो तो आपके लिए, और फीस की बात की जाए तो अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 300 रुपये, ST के लिए 150 रुपये और दिव्यांग के लिए 150 रुपये, अनाथ के लिए 0 और जर्नल के लिए भी आपका यूनिवर्स 300 रुपये है। तो ये है दोस्तों आपका, अब बात करते हैं इसमें और क्या क्या मांगा है, आप पूरा पढ़ लीजिए विज्ञप्ति को। और देखिए सिलेबस की बात की जाए तो ये आएगा आपका यूनिट एग्रोनॉमी आएगा, यूनिट भी हॉर्टिकल्चर आएगा, इससे ज़्यादा साइंस ही इसमें, और कृषि से आएगा प्लांट रोटेशन, ये पूरा सिलेबस दिया है। तो दोस्तों इसको देखिए, अब जिनका कृषि से है तो आप इसको भर सकते हो और आपके लिए अच्छी पोस्ट है। और कृषि चाहे इसमें मांगा हुआ, ये आपका लास्ट ये हो गया और फोटो फाटो इस हिसाब से भरी जाएगी। और केवल तो दोस्तों आज दो न्यूज थी, आज UKSSC ने 2 न्यूज यही थी आपके लिए, UKSSC द्वारा जो कि 34 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया है और आपका बंद UKPSC ने आपका बंदी रक्षक के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए। तो दोस्तों ये थी आज 2 न्यूज। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।